हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सबका हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों, तो आज है होली। सबसे पहले हैप्पी होली। तो आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विज़िट करने वाला हूं हमारे हिंदू विलेज। यहां पे यानी के हिंदू लोग जो हैं यहां पे होली कैसे मनाते हैं, तो ये मैं सब आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो बने रहना हमारे साथ वीडियो में एंड तक, और वीडियो को देखना, इंजॉय करना और खुश रहना। तो अपने अपने घर में होली की यानी के बहुत अच्छे तरीके से होली मनाना। दोस्तों देखें, बच्चे कितने खुश लग रहे हैं और घूम रहे हैं यहाँ पे। तो एक ये है, कैसे हैं भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नाम तुम्हारा क्या है? बादल। क्या है? धम्मो। आपका नाम क्या है? अरे विक्रम। विक्रम, तो आपका नाम क्या है? असीना। तो आज बहुत ही खुश लग रही है, आज होली है, खूबसूरत लग रही है। नाम क्या है? शिवनिया। देखिए बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे, कितने खुश लग रहे हैं। आज दिवाली है। राम राम भाई, कैसे हैं? ठीक है। फर्स्ट क्लास है। नाम अपना बता दें। कृष्ण। कृष्ण राम। तो यहाँ पे भाई बैठे हैं, इनका नाम है कृष्ण राम। राम राम भाई। राम राम भाई, कैसे हैं आप? श्री राम की मेहरबानी से ठीक है हम। ठीक है, ठीक। नाम क्या है आपका? मैं मोटरसाइकिल काम सीखता हूँ। आपका नाम क्या है यार? यार गोर्धन जी। गोर्धन जी? गोर्धन पंवार। गोर्धन पंवार, हाँ। वैसे भी हमको कहते हैं गोमन, गोमन पंवार। गोमन कुमार पंवार। आज होली है? जी हाँ सर, होली आज। देखिए यहाँ पे बच्चे सारे मौजूद हैं, पूरी गांव के यहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं। यार ये कोई उपनय नहीं, ये जो नहीं आ पाओगे ना आ पाओगे। तो दोस्तों ये है रस्म हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। तो हर एक के घर में जाके खाना खाना और एक दूसरे के मुंह में निवाला देना, तो यहाँ पे ऐसे होली मनाई जाती है हमारे पाकिस्तान में। और आप लोग देख रहे हैं तो भाई अभी खाना खा रहे हैं, इधर से खाना खाएंगे, दो दो निवाले और फिर दूसरे घर में जाएंगे। तो सब घरों में ऐसे जाते हैं। और इसके बाद दूसरी जो रस्म है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वो रस्म है जो लाठी होती है ना, यानी के लकड़ी की लाठी वगैरह सब लोग ले लेंगे और हर घर में जा जा के ना, तो बच्चों के ऊपर से ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी सी लाठी मारेंगे। जो नया बच्चा है ना, यानी के जिसने होली जिंदगी में कभी भी नहीं देखी, यानी जो 7-8 महीने का, 1 साल का या 1.5 साल का, जिसने होली नहीं देखी, तो उसके ऊपर से ऐसे लाठी से लगाएंगे। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अभी आ गए हैं एक और घर में। तो यानी कि मैंने पहले बताया ना दोस्तों, सब यानी जो गांव में जितने भी घर हैं, तो सब घर में जाके ऐसे दो दो निवाले खाएंगे चावल के, जो कि ये प्यार मोहब्बत इससे बढ़ती है और ये रीति रिवाज है, यहाँ का रस्म है। तो दोस्तों ये है रंगोली, जो कि रंगोली बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है रंगों से, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों अभी लाठी वाला सिस्टम जो है, रस्म जो है, अभी वो की जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं भाइयों के साथ, सब भाइयों के साथ लाठी है। और ये लाठी जो है अभी आप लोग देखेंगे तो, यानी अभी एक बच्चा जो है 7-8 महीने का, 1 साल का, उसको लेकर बैठेंगे इस रंगोली के ऊपर। तो फिर ऊपर से जो लाठी का यानी के मारने का रस्म होता है वो किया जाएगा, यानी रस्म की जाएगी। तो अभी ये बच्ची आ गई है उस बच्चे को लेकर, जो छोटा बच्चा है उसको लेकर अभी बैठी है। तो अभी देखें ऊपर से ऐसे किया जाता है, देखें ऊपर लाठी को। तो ये रस्म होती है, सब घरों में ऐसे जाके करेंगे। तो बच्चा रो रहा है, डर गया, वो सोच रहा है शायद मुझे मार रहे हैं। Yeah.
तो दोस्तों ये जो लाठियां हैं इनके हाथ में, ये सब घर घूमने के बाद जो ये लाठी है वापिस इसको भी जलाया जाएगा होली में। तो ये रस्म ऐसी होती है, अभी जिसी के घर भी जा रहे हैं हम लोग तो वहाँ से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, यानी मिठाई के तौर पे दिया जाता है, गुड़ हो या शक्कर चीनी। और ये देखे ना भाई बता रहे हैं यहाँ पे गुड़ दिया गया है, अभी गुड़ दिया है, क्योंकि कोई नारियल दे देता है, कोई क्या दे देता है। तो हर घर से ले रहे हैं ना दोस्तों ये जो मिठाई के तौर पे, यानी कि प्रसाद के तौर पे। तो ये जब होली जलाएंगे तो होली जलने के बाद इसको यानी बांट दिया जाएगा प्रसाद, जैसे प्रसाद बांटते हैं ना, तो एक किस्म का ये भी प्रसाद ही है। तो जितने भी लड़के और भाई साथ में हैं तो इन सब में वो बांट दिया जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हर घर में जा रहे हैं और ऊपर से ये लाठी वाला सिस्टम कर रहे हैं, रीति रिवाज यार। इसे हम लोग तो होली ढूंढना बोलते हैं, यानी कि ये ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत रंगोली बनाई गई है इन्होंने भी। तो हमारे गांव में तो ऐसे ही सिस्टम होता है भाई पाकिस्तान में। यहाँ पे छोटा बच्चा नहीं है तो बड़ी बच्ची को भी बिठा लिया है और उसके ऊपर ये रस्म की गई है, क्योंकि इस घर में छोटा बच्चा नहीं है ना, तो छोटा बच्चा ना हो तो ऐसे भी बड़े बच्चे के ऊपर से भी ऐसे यानी कि लाठी वाला जो रस्म है ये की जाती है। तो घर में लाजम यानी कि छोटा बड़ा बच्चा हो या ना हो, लेकिन ये जो रस्म है लाजम की जाती है। तो अभी दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं होली के पास। तो ये है होली। तो जिन जिन के भाई के साथ ये लाठी थी तो उन्होंने लाठियां ऊपर रख दी है। तो अभी होली वाली रस्म की जाएंगी और इसको जलाया जाएगा, और एक जो इसके अंदर रखा जाता है वो यानी जिसको हम लोग तो बोलते हैं डोखी और डोखा, ये डोखी डोखा भी रखा जाएगा और इसको वापस बाहर निकाला जाएगा। एक को जलाया जाएगा, एक को यानी कि जो होली की यानी कि होली को जला लेते हैं और प्रहलाद भगत को जैसे ना बाहर निकाल लेते हैं, उसको कुछ नहीं होता, तो ये वही रस्म है। तो अभी शुरुआत हो रही है, तो अभी हमारे बड़े भी खड़े हुए हैं तो वो लोग बता रहे हैं किस तरीके से यानी करना है, किस टाइम में लगानी है आग और कैसे लगानी है, और ये सब बातें चल रही हैं। तो दोस्तों ये रस्म और ऐसे की जाती है जलाने की, जिसकी चार जो लड़के होते हैं ना, चारों की शादी ना हुई हो तो वो लोग आग लगाते हैं। अभी चार लड़कों ने अपने अपने साथ देखो आग पकड़ ली है और चारों ने इकट्ठा लगानी है आग। तो देखें अभी आग लगा दी है और अभी होली जल रही है। चोर है।
तो दोस्तों ये है होली की रस्म और रिवाज। हमारे पाकिस्तान पंजाब के हिंदू कम्युनिटी के लोग ऐसे होली मनाते हैं। तो अभी जो है होली मना ली है, जल गई होली, और अभी जो है जो प्रसाद लेके आए थे हर घर से वो अभी उसको तकसीम करेंगे, बच्चों को बांटेंगे, बड़ों को, सबको प्रसाद दिया जाएगा। और ये देखें बच्चे सब इसके यानी के प्रसाद ले रहे हैं, इससे बर्तन यानी के वो भाई जो है दे रहे हैं प्रसाद, और बच्चे बड़े सबको प्रसाद ये जो है मिलेगा। और तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर देंगे, और ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखें बच्चे अभी प्रसाद ले रहे हैं सब, किसी ने शक्कर दिया है, किसी ने जलेबियां दी है, किसी ने गुड़ दिया है, किसी ने नारियल दिया है, किसी ने क्या दिया है, किसी ने पतासे दिए हैं, तो सब घर ने ऐसे ही दी है यानी के प्रसाद के तौर पे।